चलकर सामने आ रही है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तिजारा से विधायक चुने गए हैं बालकनाथ। आपको बता दें ऐसे में उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इससे पहले 3 सांसद जो हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब इंतजार बाबा बालकनाथ का था। बाबा बालकनाथ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अलवर से सांसद और अब विधायक वो हैं, क्योंकि तिजारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायकी का चुनाव वो जीते हैं। राजस्थान के अलवर से भाजपा के सांसद बाबा बालकनाथ ने अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। संवाददाता विनीत इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विनीत, देखिए सांसद बाबा बालकनाथ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधायकी का जो चुनाव जीता था उसके बाद अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, क्या अपडेट आपके पास? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा कि जो चुनाव में जिनमें सांसदों ने जीत हासिल की थी, 9 सांसदों ने कल ही अपने इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। अब 10वें सांसद में जो जिन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो ऐसे सांसद जिन्हें टिकट मिला था और चुनाव जीते थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और आज जो है, कल जो है वो टेक्निकल कारण से बाबा बालकनाथ जो है वो इस्तीफा नहीं दे पाए थे, आज उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ओम बिरला को मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। तो साफ तौर पर अब जिस तरह से बीजेपी में आलाकमान ने तय किया है कि जो भी वे विधायक जो सांसद हैं जो उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और वो जीत गए हैं वो अब विधायक ही रहेंगे, तो इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि तिजारा से जो विधायक बने हैं बालकनाथ, जो अलवर के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। तो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से बीजेपी आलाकमान की ओर से यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जीते हुए विधायक जो है वो अपना इस्तीफा देंगे, और इसी कड़ी में बाबा बालकनाथ ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य की जो राजनीति होती है उसमें उनकी क्या भूमिका होती है, यह अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बाबा बालकनाथ भी विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। जी, भूमिका क्या होती है विनीत वो अलग है, लेकिन इस वक्त सीएम दावेदारों में भी उनका नाम चर्चा में है। तौर पर अगर हम बात करें बाबा बालकनाथ के बात करें तो सीएम के दावेदार के तौर पर जो है वो उन्हें वो देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब वो सांसद बने थे तब भी उनकी एक अलग छवि थी और नाथ संप्रदाय के वो आते हैं और नाथ संप्रदाय का जो मुख्य अखाड़ा है वो मंदिर जो है वो उसके प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। जब से उन्हें टिकट दिया गया था सांसद से हटाकर। ठीक है विनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।